जब से भारतीय बाजार में चाइनीज मोबाइल फोन कंपनियों की एंट्री हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय मोबाइल फोन निर्माता कंपनियां अब एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई हैं। कुछ कंपनियां कंपटीशन को सह नहीं पाई और बंद हो गई, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी संघर्ष कर रही हैं। और ऐसी ही 5 कंपनियां हैं जो अभी भी स्मार्टफोन निर्माण में सक्रिय हैं और बाजार में अपनी एक जगह बनाए हुए हैं। मैंने इन कंपनियों के बारे में खूब सारी रिसर्च की और बहुत सारी अनोखी और रोचक जानकारी सामने आई, इसलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 कंपनियां, ये 5 भारतीय कंपनियां कौन सी हैं, उन कंपनियों की खासियत क्या है, आजकल किस बजट के स्मार्टफोन बना रही हैं, उनके बेस्ट स्मार्टफोन्स कौन से हैं और उनके आने वाले स्मार्टफोन कौन से हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। पहली कंपनी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो भारतीय कंपनी है, वो है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स एक काफ़ी प्रचलित नाम है और अपने बजट सेगमेंट में लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। स्मार्टफोन के अलावा और भी बहुत कुछ बनाती है ये कंपनी, जैसे फीचर फोन्स, ईयरबड्स, एयर कंडीशनर, स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन। इसके बजट सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी तक माइक्रोमैक्स के जो स्मार्टफोन हैं वो 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की कीमत में मिल जाते हैं। इसके पॉपुलर फ़ोन्स की बात करें तो इसके जो पॉपुलर फ़ोन हैं वो इन सीरीज़ के सभी फ़ोन हैं, ये काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर अभी हाल ही में आया जो इन नोट 2 है, यूज़र्स द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इसका ओक कलर आते ही सोल्ड आउट हो गया था। अब अगर कंपनी की खासियत की बात करें तो सबसे पहले ये स्मार्टफोन्स भारत में ही बन रहे हैं, दूसरा ये अपने स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉयड देते हैं। स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब यानी कि आपको एक खालिस एंड्रॉयड मिलता है, साथ ही कोई भी आपको एड्स या ब्लोटवेयर नहीं मिलता। तीसरा है, कंपनी आपको 2 साल तक के अपडेट देने की गारंटी देती है। चौथा, इन सीरीज़ में यानी कि इन सीरीज़ में आने वाले फ़ोन्स के डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर इस कंपनी की कमी की बात करें तो कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जो हाई एंड फीचर्स के साथ हो और दूसरी कंपनियों की फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ टक्कर ले सके, लेकिन फिर भी जो डिवाइस हैं वो अच्छे हैं। इनके अपकमिंग फ़ोन्स की बात करें तो जुलाई में ही इन नोट 3 और इन 3B ये 2 फ़ोन आ सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली भारतीय कंपनी पर। दूसरी भारतीय मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है लावा मोबाइल। लावा मोबाइल सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है। अभी हाल ही में इसने नोकिया के लिए भी फ़ोन्स बनाए थे। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्मार्टफोन्स के अलावा लावा मोबाइल फीचर फोन्स, टैबलेट, ईबड्स और फिटनेस बैंड्स भी बनाती हैं। बजट सेगमेंट की बात करें तो इनके स्मार्टफोन्स 4,700 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 18,000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। इसके पॉपुलर फ़ोन्स की बात करें तो अभी हाल ही में लावा मोबाइल ने लावा अग्नि के नाम से एक 5G फ़ोन उतारा था। इस फ़ोन को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अब कैसे काफ़ी पसंद किया ये बताऊंगा मैं आपको कि अमेज़ोन पर 65% लोगों ने इसे 5 स्टार दिए थे। अब कंपनी की खासियत की बात करते हैं, इनके फ़ोन्स पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन होते हैं। इन्होंने अपना R&D डिपार्टमेंट चीन से भारत शिफ्ट कर लिया था और भारत में फ़ोन निर्माण पर 200 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा भी की थी और लावा अग्नि 5G उसी का एक परिणाम था। इसकी दूसरी खासियत है कि इसके मिड रेंज स्मार्टफोन्स गुणवत्ता में काफ़ी अच्छे होते हैं। तीसरा, R&D के मामले में ये अपने फीचर फोन्स पर भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कुछ समय पहले लावा पल्स फ़ोन लॉन्च किया गया था जिसमें आप अपना हार्ट रेट और BP भी चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। चौथा, भारत भर में आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। कीमत के हिसाब से फ़ोन्स अच्छे होते हैं। अब अगर इस कंपनी की कमी की बात करें तो लगातार फ़ोन्स लॉन्च नहीं करती है और आपको आपके फ़ोन्स में लगातार अपडेट्स भी नहीं मिल पाते। अपकमिंग फ़ोन्स की बात करें तो लावा जल्द ही अपने जो नए फ़ोन्स लॉन्च करने वाली है वो भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स ही हैं। तीसरी भारतीय कंपनी है ज़ोलो। ज़ोलो के बारे में बताने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कर दिया, अब सुनिए ज़ोलो मोबाइल फ़ोन के बारे में। ज़ोलो लावा मोबाइल का ही एक ब्रांड है जो कि 2012 में इंटेल के साथ मिलकर शुरू किया गया था। आजकल तो बाज़ार में इसके साधारण से फ़ोन आते हैं, लेकिन जब ये ब्रांड शुरू हुआ था तो चर्चा का विषय था। ज़ोलो टैबलेट और स्मार्टफोन्स दोनों बनाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल बाज़ार में इसके कुछ फ़ोन्स ही उपलब्ध हैं। बेस्ट स्मार्टफोन्स की बात करें तो इस लिस्ट में इसके वही फ़ोन आते हैं जो पहले कंपनी की शुरुआत के समय लॉन्च हुए थे। अभी तो सभी फ़ोन साधारण कहे जा सकते हैं।
इसके बजट सेगमेंट की बात करें तो इसके बाजार में उपलब्ध फोन 10,000 से नीचे की कीमत के ही हैं। अब सुनिए कंपनी की खासियत। पहला, ज़ोलो के सभी फोन भारत में ही बनते हैं। दूसरा, इसके फोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही अनुभव मिलता है। और तीसरा, इसके फ़ोन्स की कीमत भी कम होती है। अब इस कंपनी की कमी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये अभी फ़िलहाल बाज़ार में कोई नया हाई एंड फ़ोन नहीं उतार रही। चौथी भारतीय कंपनी का नाम है कार्बन मोबाइल। आजकल ये कंपनी कई अन्य देशों में अपने फ़ोन निर्यात भी करती है। फिलहाल ये कंपनी स्मार्टफोन के क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही, लेकिन कार्बन के फीचर फोन्स काफ़ी लोकप्रिय हैं। कार्बन मोबाइल के फीचर फोन्स न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बिकते हैं। बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट में ये नदारद है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल फीचर फोन्स के निर्माण में ही सक्रिय है। कंपनी की खासियत की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अच्छी क्वालिटी के फ़ीचर फ़ोन्स में डील करती है। हालांकि आप बहुत सस्ता और हल्की क्वालिटी का फ़ीचर फ़ोन्स भी ले सकते हैं। अब खामी की बात यही है कि मैं ये कहूँगा कि कार्बन मोबाइल फ़ोन सिर्फ फ़ीचर फ़ोन ही बना रही है और स्मार्टफोन के क्षेत्र में ये सक्रिय नहीं है। अब भारतीय मोबाइल फ़ोन बनाने वाली पाँचवीं कंपनी है आईबॉल। ये कंपनी 2001 में अस्तित्व में तब आई थी जब इसने कंप्यूटर माउस बेचने शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे इसने फीचर फ़ोन्स बनाने शुरू कर दिए। फिलहाल आईबॉल के बाज़ार में कई फ़ीचर फ़ोन मिल जाएंगे आपको और स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सभी फ़ोन्स काफ़ी लो एंड हैं और इनके फीचर्स भी उसी हिसाब से थोड़ा कम है। ये कंपनी भी स्मार्टफोन बनाने के क्षेत्र में उतनी सक्रिय नहीं है जितनी माइक्रोमैक्स या लावा मोबाइल जो हैं, ये दो कंपनियां हैं। अब आपने एक छोटा सा काम और करना है। आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं और किस देश की कंपनी है वो नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। और ये वाला वीडियो अभी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप देख सकते हैं इसे। जब तक आप इस वाले वीडियो को टैप करके नहीं देखते, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।